किसी कण के आर्य वे अनुप्रस्थ वे कर्म से लैम्डा स्क्वायर तथा म्यू थीटा स्क्वायर सिद्ध करें कि कण के पथ का समीकरण ये होगा तथा इसके दो घटक विघटन होंगे। पहली बात तो ये कि क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आ सकता है, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, गिवन कंडीशन देखिए, अपने को दिया है कि आर्य वे अनुप्रस्थ वे, तो आर्य वे क्या होता है, डी आर बाई डी टी बराबर दिया अपने को लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। डी थीटा बाई डी टी ये अनुप्रस्थ होता है, वो दिया अपने को म्यू थीटा स्क्वायर, बिल्कुल सही चीज गिवन, ठीक है। अब डी आर बाई डी टी बराबर लैम्डा आर स्क्वायर, अपने को सिद्ध करना है कि कण के पथ का समीकरण, मैंने पहले बताया कि कण के पथ का समीकरण जब भी अपने को ज्ञात करना होगा तो अपन करेंगे लैम्डा बाई लैम्डा थीटा या डी लैम्डा थीटा अपॉन डी लैम्डा, ठीक है, ठीक करेंगे ये वाला, सॉरी लैम्डा बोल रहे हैं डी आर बाई डी थीटा, क्योंकि इक्वेशन जो है कोणिक सर्कल की जब भी निकालेंगे वो आर और थीटा में ही निकालेंगे अपन, और आर और थीटा में ही चाहिए अपने, क्योंकि कोणिक सर्कल वही बनाती है और इसकी पावर में आती है हमेशा इक्वेशन, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो देखें डी आर अपॉन डी टी देखिए डी आर और डी थीटा और एक भाग दे देंगे तो एक दूसरे का, तो जगह डी आर अपॉन आर डी थीटा बराबर लैम्डा आर स्क्वायर और म्यू थीटा दे दिया भाग, ये आ गया डी टी डी टी बाई डी टी करके दोनों के नीचे, ठीक है। अब देखिए डी आर तो डी आर और ये जगह कितना डी आर और ये जगह लैम्डा आर क्यूब, लैम्डा आर क्यूब बराबर डी थीटा अपॉन म्यू थीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका अपन को कोणिक सर्कल याद करना है तो हम यहाँ से करेंगे, देखें कण के पथ का समीकरण जो भी याद करना है तो ये वन बाई लैम्डा, ठीक है, लैम्डा आर क्यूब का देखें तो ऊपर जाएगा आर की पावर माइनस थ्री, फिर प्लस वन जुड़ेगा तो माइनस टू, यानी कि वन बाई माइनस टू और ये बराबर आर बराबर ये देखिए वन बाई म्यू और वन बाई थीटा, यही होगा वन अपॉन टू आर स्क्वायर बराबर वन अपॉन म्यू और माइनस वन अपॉन थीटा प्लस एक सी वन कॉन्स्टेंट बराबर, ठीक है। देखिए हमने अगर इसको और सॉल्व करें तो देखें आप ये अपन वन अपॉन माइनस टू लैम्डा आर स्क्वायर, टू लैम्डा आर स्क्वायर बराबर माइनस वन अपॉन म्यू थीटा प्लस वन, आप देखें इसकी कहानी देखें क्या है। अब इसमें मानो कि मैं किसका भाग दे दूं, इसमें भाग दे दूं मैं लैम्डा और म्यू का भाग तो गुणा कर दो लैम्डा और म्यू, अगर लैम्डा और म्यू से पूरी इक्वेशन गुणा हो जाएगी माइनस लैम्डा और म्यू से अगर पूरी इक्वेशन गुणा होती गुणा कर लूँ तो देखो रिजल्ट क्या आएगा वो देखना उसके हिसाब से, तो लैम्डा म्यू अगर लैम्डा म्यू का मान यहाँ पे पुट करूँ मैं तो देखिए लैम्डा से लैम्डा कट के जाएगा ये हो जाएगा म्यू अपॉन टू आर स्क्वायर, बिल्कुल फिट है म्यू अपॉन टू आर स्क्वायर बराबर, ये वो माइनस तब भी उसमें पड़ जाएगा अगर माइनस पॉजिटिव लैम्डा बाई थीटा और नेगेटिव लैम्डा म्यू और सी वन, इसको सबको ये माइनस ये जो सब है इसको मैं एक नया कॉन्स्टेंट सी मान लेता हूँ तो ये हो जाएगा म्यू टू आर स्क्वायर बराबर लैम्डा थीटा, वो अगर माइनस सी होगा तो इधर ले आता हूँ इसको ये, और यही इक्वेशन अपने को सोल्व कर ले जो सेम आ गई। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर जो आपका नेतांक है वो इस साइड प्लस में आ रहा है इस साइड नेगेटिव माइनस में आ रहा है और क्वेश्चन में ऐसे गिवन है कि इस साइड जैसे प्लस में गिवन था आपका इस साइड ही नेगेटिव आ गया तो घबराने की बात नहीं है, वो क्या होता है कि अपन जो कॉन्स्टेंट है उस शुरुआत में मान देंगे, अगर मैं इस साइड मान लेता
ये कांस्टेंट में इनसाइड है तो लिख सकता था तो गलत हो जाता है, लेकिन वो गलत नहीं होता, क्वेश्चन बिल्कुल सही रहता है, लेकिन जब प्रूफ करना होता है तब अपने ऊपर ध्यान रखना होता है और आंसर निकालना होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, किस साइड में ले कांस्टेंट कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन ये तो हो गया, ये अब इसके आगे वाला पार्ट देखें तथा इसके कणों की घटक त्वरण की, सबसे पहले आर्य त्वरण, आर्य वाला निकालें, फॉर्मूला देखें आप, फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर। अब देखें डी आर बाई डी टी निकाल लें, बस ये करना है, तो डी स्क्वायर बाई आर डी टी स्क्वायर जब भी निकालेंगे किससे निकलेगा, डी आर बाई डी टी इसका ओपनिंग कर दे तो दिया जाएगा टू लैम्डा आर, टू लैम्डा आर, लेकिन देखें कहानी खत्म नहीं होगी, टी के सापेक्ष हो रहा है तो टू लैम्डा आर और r का डी आर बाई डी टी, क्योंकि t के सापेक्ष हो रहा है, अगर r के सापेक्ष होता है तो 2 लैम्डा ठीक था, लेकिन t के सापेक्ष हो रहा है तो लैम्डा और आ जाता है। ठीक है, अब ये आ गया, ये आ गया और इक्वेशन रखें सॉल्व करें, अगर 2 लैम्डा r डी आर बाई डी टी r डी थीटा बाई डी टी, तो ये हो जाएगा म्यू म्यू थीटा स्क्वायर और यहाँ पर जाएगा अपॉन आर का स्क्वायर, और देखिए डी आर बाई डी टी का मान भी देख ले, लैम्डा आर स्क्वायर पुट कर देना, ये क्योंकि टोटल मान कितना हो जाएगा 2 लैम्डा आर और यहाँ पर लैम्डा आर स्क्वायर, तो इस जगह 2 लैम्डा स्क्वायर और आर क्यूब, ये हो जाएगा यहाँ पे वही लैम्डा आर स्क्वायर और पुट कर दें, सबकी वैल्यू होगी, आप सोल्व करें इसको, तो जगह 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब माइनस, अब देखें ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4 अपॉन आर, देखें ऐसे ही कुछ कहेंगे 2 लैम्डा स्क्वायर और आर क्यूब माइनस म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर की क्यूब ही होगी। ठीक है, ये जो जितना भी है सब मटेरियल आ गया ये वाला, ठीक है, क्योंकि सिर्फ सिद्ध हो गया जो आपका ये घटक वो बिल्कुल सिद्ध हो गया, अब बात कर लेते हैं अनुप्रस्थ। ठीक है, देखें अनुप्रस्थ ऐसे निकालना स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी। ठीक है, ये होता है 2 आर डैश थीटा डैश प्लस आर थीटा डैश, ये होता है फॉर्मूला, यानी कि 2 डी आर बाई टी टी और डी थीटा बाई डी टी बराबर आर और डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी और तो सबकी है, तो देखें आर डी थीटा डी टी की वैल्यू अपने पास म्यू थीटा स्क्वायर रख देंगे अपन, ऐसे इसके नीचे लिखना आपको ये निकाल के कि थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर, या फिर इक्वेशन की शुरुआत में निकाल दें, ये चीज़ें शुरुआत के इक्वेशन की शुरुआत में निकालना है आपको, तो होता है डी आर बाई डी टी भी चाहिए और डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर भी चाहिए, तो ये सब हो गया। अब देखें इससे क्या करेंगे, आर को मैं साइड दे दूंगा, डी थीटा बाई डी टी बराबर म्यू थीटा स्क्वायर बाई आर, बिल्कुल ठीक है, इसका अगर तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, क्योंकि आर भी तो कौन वो है ना चल रहा है चल रहा है अच्छा थोड़ी आर स्क्वायर, अब म्यू थीटा स्क्वायर, तो पहले क्या होता है पहले हमेशा ऊपर वाले का ही अवकलन होता है, तो देखिए ये हो जाएगा 2 म्यू थीटा और थीटा का डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, बच क्या है आर, तो हमें यानी कि ये होता है माइनस, अब क्या करते हैं जो होता है उसको एज इट इज छोड़ देते हैं, और ये होगा डी आर बाई डी टी, ये हो गया पूरा, अब इसको सॉल्व करें और निकालें, तो जगह 2 आर म्यू थीटा और ये जो है ना डी थीटा बाई डी टी, इसका मान कितना हो जाएगा यहाँ से देखें म्यू थीटा स्क्वायर, म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर, तो गया माइनस म्यू थीटा स्क्वायर
तो इसका मान हो गया लेमडा आर स्क्वायर, लेमडा आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अब निकाल दें क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन को करते हैं तो यहाँ से थोड़ा और मिटा देता हूँ, नीचे तो दिखेगा नहीं। ठीक है, ये देखिए टू म्यू स्क्वायर और टू म्यू स्क्वायर और आगे क्या गया थीटा क्यूब, टू म्यू स्क्वायर थीटा की क्यूब और आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर बिल्कुल ठीक है। ठीक, माइनस अब आर स्क्वायर साथ स्क्वायर कर देगा तो म्यू लैम्डा, म्यू लैम्डा आर कटेगा थीटा डैश का स्क्वायर। ये जो मान है वो किसका मान आएगा, इसका मान है, इसका मान आया है डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर का, ये वाला रिजल्ट आ गया। अब देखिए कि जो रिजल्ट है उसको यहाँ पर पुट करें तो टू डी आर बाई डी टी लैम्डा आर स्क्वायर, ठीक है, डी थीटा बाई डी टी तो यह जाता है कितना, ये हो जाएगा यू थीटा स्क्वायर बाय आर। ठीक है, यहाँ पे आर मिल गया, एक आर मिल गया। ठीक है, और बराबर ये कितना आर और ये सारा हम जो है उसमें कंप्लीट रख दूँ, नहीं आर तो है नहीं ना, आर नहीं आया, सॉरी नहीं आया, ये जरा टू म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब आर स्क्वायर माइनस म्यू लैम्डा थीटा स्क्वायर। अब इसको इस इक्वेशन को अरेंज कर लें, इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे तो जगह देखें म्यू आर लैम्डा थीटा स्क्वायर और यहाँ पर ये वही होती है, तो ये सारा सिस्टम जो है वह लैम्डा म्यू आर थीटा डैश का स्क्वायर प्लस टू म्यू स्क्वायर और थीटा क्यूब अपॉन आर, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आप अरेंज कर लेना।